पढ़ाई का मौसम है 12 साल। क्वेश्चन नंबर 7 जो कल क्लास में किया है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा वादा है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 7 कल क्लास में किया है वो रिवाइज हो गया सही तरह जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कल से रिलेटेड पहले कंफ्यूजन। एक आखिरी काम रह गया था मेरा, ये आप लोगों ने तो कर लिया होगा, ये पैकेट्स के रुपीस बनाने थे, आखिरी रह गए। सेल प्राइस बता दो। सेल प्राइसेस लिखवा दो। 262.16। दूसरा 3। फाइनली 236.84। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हद तक पूछते बेटा, इसका मतलब ये है कि हमारी परसेंटेज के मुताबिक जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60% है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी परसेंटेज के मुताबिक 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट 60% है, इसलिए 60 से डिवाइड किया था। अब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट सेल आ जाएगी, और अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वो तो जैसा मार्केट मार्जिन होता है जी। ठीक है जी सर, जजाक अल्लाह। तो परसेंटेज के मुताबिक जो हमने कल परसेंटेजेस लिखी थी, नेट सेल्स 100, 60 वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, और 40 देयर फॉर कंट्रीब्यूशन। वही बेटा जो लिखा था, नेट सेल है वो, नेट सेल है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, नेट सेल आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। ठीक है, ये जल्दी सेल प्राइस सेल्स निकालें इसके फाइनल। देन सर, मैंने आपसे कहा था कि अगर पहले इसी को जरा कंप्लीट करें, बाकी बातों सॉल्वेंट में। कि अगर हमारा सेल मिक्स डिफरेंट भी हो तो हमारा आंसर इंशाल्लाह सेम आएगा। बहरहाल सेल मिक्स बनाने का तरीका मैंने आपको कहा था, वो काइंडली फाइनल रखिएगा। कि अगर कभी सेल मिक्स ना दिया हो और आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप मैक्सिमम सिंपलीफाई कर लें, लेकिन आंसर अगर पॉइंट्स में ना हो तो हमारे लिए आसानी रहेगी। रिपीट करना था सेंटेंस। लेकिन डेफिनेटली ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए कि हमें अपनी वर्किंग में आसानी है। बाकी आपके सामने सेल मिक्सेस हैं, इनमें से इंशाल्लाह अगर हम कोई भी सेल मिक्स उठाएंगे तो जो एग्जामिनर ने आंसर मांगा इंशाल्लाह वो सही रहेगा। एग्जामिनर ने आंसर मांगा किस चीज़ का, रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एग्जामिनर ने हमसे ये नहीं पूछा कि कितने बैचेज बेचे जाएं तो ब्रेक इवन होगा, उसने हमसे पूछा कितने पैकेट्स बेचे जाएं तो ब्रेक इवन होगा। तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल रेंडमली कोई और सेल मिक्स उठा लो, ये आप सजेस्ट कर, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही समझना आप, आपके सामने में डिस्कस करना। तो लेट्स अज्यूम हमारा एक बैच साइज 50 पैकेट्स का, उसमें सेल मिक्स वही रहना, परसेंटेज वही रहनी है। कौन सी परसेंटेज थी, 50, 30, 20? तो कोई फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट सेल मिक्स उठा लेंगे तो उससे फर्क कहाँ कहाँ पड़ेगा। अब ये मेरे अपने साथ साथ रहना, और मेरा लिखा लिखो लिखने वाली बात है, आप जरा सिर्फ गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बात असल में हो रही है। अपनी फर्स्ट वर्किंग से अपने रजिस्टर में जरा देखा, क्या फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी? सर जी क्या फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी सर? तो वही रहेगी जो आपने वर्किंग की।
कंट्रीब्यूशन पर बैच वाली वर्किंग में कंट्रीब्यूशन पर पैकेट बदल जाएगी? कंट्रीब्यूशन पर बैच वाली वर्किंग में क्या कंट्रीब्यूशन पर पैकेट बदल जाएगी सर? मैं सोच रही हूँ 100 एज इट इज रहेगा, 192 और 90 तो सेम रहेगा, ये क्या है पर पैकेट है तो ये सेम रहेगा, ये कैलकुलेशन बदल जाएंगी, ये जो हमने कल कैलकुलेशन की डिवाइड बाय 16 टू 100, ये सब कुछ ऐसा टेस्ट रहेगा, तो चेंज कहाँ आएगा? कंट्रीब्यूशन पर बैच की जो वर्किंग थी यकीनन इसमें चेंज आएगा, कैसे? 100 वही रहेगा लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 50, अब नहीं 25 में, जरा देखना आपने रजिस्टर बनाया हुआ था, डेफिनेटली कौन सा बैच ले रहा हूँ मैं, सोरे कौन सा बैच साइज ले रहा हूँ, 25 15 10 वाला ले रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर आपको दूसरा लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन 50 टोटल है तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से या रिस्पेक्टिव सेल मिक्स से? तो इनटू बता दें 25, अगर 50 वाला उठा रहा हूँ मैं, इनटू 25 प्लस 92 इनटू 15 एंड प्लस 90 इंटू 10, यकीनन क्या बदल रहा है? नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स बदल रहा है और उससे डेफिनेटली आंसर बदलेगा, सॉल्व भी रहेगा। 4780 क्या है ये? 4780 पर बैच, लेकिन ये बैच कंटेनिंग हाउ मेनी पैकेट्स? ना ना, कंटेनिंग हाउ मेनी पैकेट्स? 50 पैकेट्स है, जैसे कल जो वर्किंग थी वो 10 पैकेट्स वाली थी, तो अब हमारे एक बैच में 50 पैकेट है, तो 4780 यकीनन फिगर चेंज हो रही है। फिक्स कॉस्ट के नीचे हमने लिखा था 950, 956, अब यकीनन 956 ही जगह फिगर बदल जाएगी, ये फिक्स कॉस्ट का टोटल था आपके पास 275, आपने अगर लिखना होगा तो मैं बताता हूँ कैसे लिखें, अब इस चक्कर में कंडी पड़ जाएगा, पहले समझ लेना, डिवाइड बाय हो जाएगा 4780। आ जाए सर, आ जाए सर, लेवल सीट से। अब बैच क्या बदल रहा है? 4780 क्या है? कंट्रीब्यूशन पर बैच है, तो यकीनन कंसंट्रेशन से वर्ड सुनेगा मेरे, बैच साइज बड़ा होने से, बैच साइज बड़ा होने से, कल तक बैच साइज क्या था 10 पैकेट्स का, 50 होने से बैचेस कम हो जाएंगे, करें सॉल्व, 5753 बैचेस। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आपने फोकस करना है, यकीन है थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का मसला आ जाना क्योंकि राउंड ऑफ करना पड़ा, तो व्हाट इज 5753 बैचेस? बैचेस हैं, हर बैच में कितने पैकेट्स हैं? तो यकीनन मेरे बैचेस डिफरेंट है, आप अपने बैचेस देखें, आपके बैचेस डिफरेंट है, हमारे मेरे डिफरेंट है, इस वक्त एग्जामिनर ने बैचेस मांगे भी नहीं है, क्या जो उसने मांगा है वो इंशाल्लाह सेम है? अब इस बैचेस से मैंने क्या फाइंड आउट करना, क्या करूं? मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई 15 और 10, अब 50 पैकेट्स का बैच था ये, तो याल्ला मदद करी मांग, और नौजवानों ने हाथ बांध लिया है, देखते हैं क्या होता है, बारिश के रिजल्ट में क्या निकलता है। सर ये कैलकुलेट करना था, सर 1438 2, और बेटा अगर राउंड अप करनी है 5753 तो अब कैलकुलेटर वाला रहने देना यार, उसको जीरो दबा देंगे, दबा पॉइंट्स वाला आंसर लेंगे तो डिफरेंट आ जाएगा, पॉइंट्स के बगैर लेंगे तो 8 to 5, अपना कल वाला आंसर देखें। अब ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, हमें जरा ये राउंड ऑफ करना पड़ रहा है, तो 583 तो जीरो देगा तकरीबन 8 7 8 2 5, अच्छा आपने अगर राउंड ऑफ नहीं किया था तो बताइएगा कितने पैकेट आ रहे हैं, 2 9, तो क्योंकि थोड़ा राउंड ऑफ कर लिया तो क्लोज ज्यादा आ रहा था, तो ये डिफरेंस सिर्फ किस वजह से आ रहा,
अदरवाइज आई होप के आंसर हमारा दूसरा बताइएगा क्या बनता है। 2 9 5। एंड फाइनली 5 7 5 3 0। पैकेट्स ठीक है सर। तो क्या बैच साइज बदल जाने से बैचेस बदल गए हैं? लेकिन क्या जो एग्जामिनर ने मांगा है वो एज इट इज है? बैच साइज से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आंसर पर कोई मसला नहीं। हमारा हमें करना क्या चाहिए सुना कि हम मिनिमम बैच साइज बना लें लेकिन आंसर पॉइंट्स में ना जाने दें। आप लोग इस तरह करें जरा, जहां पे आप है जगह वहीं आप इस तरह से लिखें। इफ सपोज तो ये काम सर बहुत ज्यादा सोचने समझने वाला शुरू हो गया हुआ है कल से ऑनवर्ड्स, कल से हो चुका है। तो अब आप कंसंट्रेशन अगर लैब्स रखेंगे तो बात बननी नहीं है घर। तो इसको इस तरह से लिखें। इफ सपोज बैच साइज इज 25 15, एंटर। इस तरह से एक रेशियो से बना लो। इफ बैच साइज इज 25 15, then कठिन बन तक then के बाद ये पहले लिख, नहीं ये पहले लिख 27.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 4780। उसके नीचे भी लिखे फिर 4780 की वर्किंग लिख लीजिएगा। ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन डिवाइड बाय 4780। बैचेस लिख लें और बैचेस का ब्रेकअप कर दें। बाकी 4780 कहाँ से आया फिर उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। उसको वर्किंग वन टाइप बना लें। ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा फॉलो करें। इसमें चीजें सारी बहुत सारी लिंक है आपस में, हर वक्त कंसंट्रेशन होनी चाहिए। करिए नोट। अब 4780 जो आपने लिखा है इसका नाम बोल दो ब्रो। अब कंट्रीब्यूशन पर बैच में कहां तक सेम रहना है? कंट्रीब्यूशन पर पैकेट तक। तो आप इसको वर्किंग वन कह लें, उसके नीचे फिर यहां से शायद लिखना। ये जो मैंने सॉरी ये तो कल वाली वर्किंग, ये जो लास्ट स्टेप है कंट्रीब्यूशन वाइज कंट्रीब्यूशन पर बैच हेडिंग बना लो। रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर बैच, क्या तरीका है कंट्रीब्यूशन पर बैच तक पहुंचने का? कंट्रीब्यूशन पर पैकेट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स। तो क्या बैचेस बैच साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं? कब हो सकते हैं वैसे? अगर उसने सेल मिक्स ना बताया, अगर एग्जामिनर ने सेल मिक्स बताया
तो शायद सब वही बना रहे होंगे, लेकिन अगर वो सेल मिक्स ना बताएं, आपको खुद बनाना पड़ रहा हो, परसेंटेजेस में फाइंड आउट करना पड़ा, तो बैच साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो फाइनल आंसर एग्जामिनर ने मांगा होगा वह इंशाल्लाह सेम ही होगा। जी आप कोई फाइनल कंफ्यूजन कल वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी बेटा अगर ये सेम आ गए हैं तो क्या सेल प्राइस मल्टीप्लाई करके, सेल प्राइस पर पैकेट मल्टीप्लाई करके सेल वही आ जाएगी? तो अगर पैकेट्स आ गए तो मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर पैकेट करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। देन सती जरा निकालिएगा सॉल्वेंट एक में। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा सर, कौन सा सर? मेरे कुछ क्वेश्चन सुने जरा, सॉल्वेंट आपने पढ़ लिए? पढ़ने को तो कही नहीं था मैंने। अच्छा जजाकला शुक्र। अगर आपने पढ़ा है तो क्या आपको सेल बल्कि रिक्वायरमेंट पढ़ ली आपने? रेशियो निकाल ली? यस सर। यानी कि नहीं पढ़ा, पढ़ तो लिया लेकिन रेशो नहीं निकाली। किस चीज की रेशो निकाली है? क्वांटिटी सोल्ड, ये रुपीस थे तो यकीनन आपने पहले काम किया होगा, यूनिट्स बनाए होंगे, 10 मिलियन और 6 मिलियन। कल वाला क्वेश्चन के साथ जरा लिंक करता जाएगा। क्वेश्चन में सेल क्वांटिटी गिवन थी और यहां भी सेल क्वांटिटी की बेस पे रेशियो गिवन है। ये अज्यूमिंग वाला जो सेंटेंस है ना ये सेम है उसमें, कल वाले में भी और आज वाले में भी, क्वेश्चन में 7 में देखूंगा। अज्यूमिंग क्या वुड बी सेम? क्वांटिटी सोल्ड वुड बी एज पर बजट, वहां प्रोजेक्शन बढ़ता है या बजट था, तो यहाँ क्वांटिटीज गिवन नहीं थी। होपफुली आपने क्वांटिटीज निकालनी निकाली सर। यस सर। फिर आपने इसका टोटल किया, किया सर, 16 मिलियन बन गया। फिर आपने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश की और आपके यकीनन बैच साइज डिफरेंट बने होंगे, लेकिन अगर आपने वो तरीका शायद जो कल मैंने बताया था अडॉप्ट किया हो तो फाइनली शायद 5-3 तक आप आ गए, लेकिन आंसर में तो 4-10-6 से बना हुआ था, इसलिए हमने भी बस वही बना लिया, वरना ये 5-3 हो सकता है, फर्दर 5-3 तक मेरा सिंप्लीफाई हो सकता है। नहीं आंसर देखा आपने? अच्छा आंसर पढ़ देखें, आपने वैसे ही पढ़ा सवाल। जी सेल मिक्स बन गया सर? नहीं बेटा मेरे ख्याल 4-7 नहीं है ये, कहीं बताइए 4/7 3/7 है। और सर अमाउंट से क्यों करें सर, कमाल होगी ये, अमाउंट से करें तो गलत है यार, क्वांटिटी से करना पड़ेगा। अमाउंट से क्यों करें, प्राइसेस डिफरेंट है, अमाउंट से नहीं करना, क्वांटिटी से करना। किससे करना है सर? रेशियो ऑफ सेल अमाउंट वुड नॉट रिमेन सेम, रेशियो ऑफ व्हाट वुड रिमेन सेम, रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड रिमेन सेम। तो ये क्वांटिटी सोल्ड की बेस पर होना था, तो अगर वो हुआ तो वो मुनासिब नहीं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो पहली बात तो होपफुली ये क्लियर हो गई। डन है सर? और डन है सर। दूसरी चीज बेटा ये है कि आपको सेल प्राइस पर यूनिट मिल गई है, ब्रेक इवन निकालना है, ब्रेक इवन निकालना है सर। मसला सिर्फ आपको है अगर आपने संजीदगी से पढ़ाई सर, कि फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या होता है, फिक्स भी और वेरिएबल भी। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आ जाएगा, आ जाएगा सर, क्वांटिटी अगर है तो आ जाएगा, प्रोडक्शन वाली स्टोरी नहीं इसमें, जितनी क्वांटिटी निकलेगी वहां से मटेरियल को डिवाइड करके क्वांटिटी से पर यूनिट मटेरियल आ जाएगा, पर यूनिट लेबर भी आ जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ है? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड्स का डाटा तो एक दिया हुआ है लेकिन बीच में कुछ वेरिएबल नजर आ रहे हैं, बीच में कुछ फिक्स नजर आ रहा है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपका मसला असल में यहाँ है कि ये ब्रेकअप नहीं बन सका कि फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना कितना है, ठीक है? तो यही मसला है, इसके अलावा भी मसला नहीं, असल तो इसी यही था
क्या वैसे मटेरियल पर यूनिट आ जाएगा? मैं जज्बाती हूँ कह रहा हूँ, कैसे कैलकुलेटर उठा रहा, 45 मिलियन है डिवाइड बाय कितने यूनिट्स? आप 100 यूनिट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड होनी चाहिए था, लेकिन वो अगर गिवन नहीं है तो 100 यूनिट ही प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है? तो मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट में होपफुली प्रॉब्लम नहीं है। और सर जी है कहाँ इशू है? सर मैक्योरेट का इशू। तो ये जो बड़ा इशू है, इस इशू को इंशाल्लाह हमने रिजॉल्व इस तरीके से करना है कि पेज नंबर निकालें 33। पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये इसका नाम है, क्या नाम है? हिमालयन रिवर्स। पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 1। ये सर ये क्वेश्चन है, ये सिंगल प्रोडक्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में जाएगा, अगर आपने ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू या ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या है? देखिए अगर क्वांटिटी क्या है तो पर यूनिट की बेस पे करेंगे, तो यहाँ फार्मूला फिर होगा। अगर सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। करना आपने ये है कि सबसे पहले आज दोबारा क्वेश्चन नंबर 7 रिवाइज करना, जो केपी की डेरीज है। पहला काम करने ये करना, और उसमें खास तौर पे जो एंड में परसेंटेजेस आई हैं, आई है सर, वो सेम सॉर्ट ऑफ परसेंटेजेस इस वाली रिवर में दोबारा नहीं है। तो आपने करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के हिमालयन रिवर्स भी करने की कोशिश करनी है, और साथ दोबारा सॉल्वेंट को पहली दफा दोबारा पढ़ना, और इंशाल्लाह कल फिर ये दोनों क्वेश्चंस हमने इकट्ठे सॉल्व करने। सॉल्व का मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ एस लिखें सॉल्वेंट का, इंशाल्लाह इसको डिटेल में मैंने डिस्कस करना है, लेकिन जो चीजें आप हो सकती हैं वो इंशाल्लाह आपने कर लेनी है। स्टेप 1 क्या होगा घर जाके? क्वेश्चन नंबर 7 में खासतौर पर क्या रिवाइज करना है? जो रेशियोज है, और रेशियोज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है इसमें। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 हिमालयन रिवर्स पे आना है, इसको कोशिश करनी है जहां तक ये हो जाए, और फिर इसके बाद आपने एक दफा दोबारा सॉल्वेंट को पढ़ना है, और सॉल्वेंट में कहां मसला है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, उस पर एक दफा दोबारा जाना है, ठीक है? और कल फिर जब मैंने आपसे सवाल पूछने हैं तो मुझे सारा पता चल जाना है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज पता चल गया है कि इस बहस में मैं अकेला ही था। तो कल कैंडी ऐसे ना हो, वरना ये बहस बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी। हम आज इस तरह करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 36 में। पेज नंबर कौन सा सर? जी बेटा बिलाल, आप चाह रहे हैं कि रटा लगा लें, बस ये बताने पॉइंट नंबर 4 में क्या करना है। मैं चाह रहा हूं कि जरा डिटेल में डिस्कशन हो जाए। तो क्या ख्याल है, रहने दें रटा लगाने को, प्लीज क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सब कुछ हमें पता है, बस हुआ क्या है वो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये पेज नंबर जरा कंडी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े, पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 5 बाय द नेम ऑफ, जो नाम पढ़ रहे सवाल भी इसका हो जाएगा। तो सवाल आपका होगा, लेकिन मैं सर आपके साथ कर देता हूँ। ये सारा जो हमने पिछले एक दो दो दिनों में सर, इसका मतलब आवाजें आती हैं, ये जो हम पिछले दो तीन दिनों से बहस करें बैच ब्रेक इवन वगैरह की, ये जरा कोशिश करें आज एक और लेवल पे ले जाकर खत्म हो जाए। मैकियाटो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड सर MPL इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स एंड रग्स।
द एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द प्रोजेक्टेड वर्ड कभी कभी आ जाया करेगा, इसका सिंपली मीनिंग क्या है, बजटेड प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द बिजनेस एज गिवन बिलो, क्या सामने आपके आ गया है, सेल लिखी हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया उसका, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से वो डाटा इसलिए देता है ताकि हम उसे मार्जिनल में कन्वर्ट कर सकें, हमारी ये सारी स्टोरी मार्जिनल कॉस्टिंग से ही है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ, टैक्स भी लिखा हुआ, रेट बताया हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट है ये, बजट है सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 32.5 मिलियन का इवन आफ्टर टैक्स, ऐसे करना क्या है, एक लाइन चले दो रह गए, वो तो पढ़ना, सेल प्राइस ऑफ द कारपेट एंड ड्रग्स वुड बी 24,000 पर यूनिट विद कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, कार्पेट्स एंड ड्रग्स वुड बी सोल्ड इन द रेशो, जब भी मिक्स्ड आ जाएंगी चीजें तो आपने सेल मिक्स ढूंढना, गिवन होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, गिवन ना हो तो फिर किस तरीके से निकालना, एग्जामिनर का तरीका हमने ढूंढना, ये मुझे नहीं कोई रिकॉर्डिंग हो गई और इससे कदर इस पे क्लास वाला फिर यार जी सर रिक्वायरमेंट पढ़ सकते, कंप्यूट द सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन, सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन निकालना, क्या मतलब, सेल के यूनिट्स या रुपीस, रुपीस तक पहुंचना, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सीधे रुपीस निकालने, हम अगर डाटा मिल जाए तो पर यूनिट से रुपीस में आ जाए, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, हाँ डायरेक्टली आप सी एस रेशो करना चाहें वो भी चॉइस है, ठीक है, याद है सजीव आते हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, राइटेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, बी रिक्वायरमेंट भी है उसके बाद में पढ़ते हैं, अब यहां से ऑनवर्ड एक छोटी सी चीज जो एक दो दिनों से कह रहा हूं, जरा फाइनल कर लें, कभी भी अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं तो हमेशा पहले बैच ब्रेक इवन आएगा और उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स का आएगा और फिर सर्टेन कांस्टेंट मिक्स ही होगा, वो आपने ढूंढ लेना है या आपने फाइंड आउट करना है, मीन्स ढूंढ लेना है अगर गिवन है और अगर गिवन नहीं है तो आपने कैलकुलेट करना है, अगर सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन है तो फिर आपके जहन में फॉर्मूला आना चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर मिक्स्ड ब्रेक इवन है हमें कैसे पता चलेगा मिक्स्ड ब्रेक इवन, हमें प्रोडक्ट्स नजर आए दो तीन ज्यादा हो सकती, दो से ज्यादा होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे, तो फिर हमारे जहन में फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच आएगा, फिर सेल मिक्स से मल्टीप्लाई इंशाल्लाह पर यूनिट भी आता है, यूनिट्स भी आते हैं, बिफोर वी स्टार्ट इस सवाल में यूनिट्स किसको कहा जा रहा है ये जरा ढूंढने का, हाँ जी कारपेट और रग्स कोई स्टोरी है जिसको यूनिट करार दे दिया गया, कोई कोई पैकेट भी नहीं है, पैकेट्स का वर्ड भी नहीं है, जरा लास्ट लाइंस पढ़े जरा, 24,000 4,000 क्या चीज है ये, पेज नंबर सॉरी पेज नंबर आ गया 36 पेज आ गया, पेज नंबर 36 वॉल्यूम 2 है, पेज नंबर 36 जी बेटा, वो यकीनन हाइड्रा भी 5 है लेकिन वो हाइड्रा का पेज नंबर और है, तो पेज नंबर 36 है, इस पे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा जी सर, बात ये हो रही थी कि अगर
सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर मिक्स्ड ब्रेक इवन है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। आप ये बता दें बस फाइनली, क्या बैच साइज पता हमें यहाँ क्या है? 5, 5, 1, 4, 5। इट मीन्स 5 का यूनिट्स का अगर बैच होगा तो उसमें एक कारपेट होगा और 4 रग, सिंपल इज दैट। ये स्टोरी हमारे सामने आ गई है, बिजनेस नेम लिख रहे, ऑनलाइन स्टोर रेडी नहीं कर रहा। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, फुल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, इंशाल्लाह गेम एंजॉय करें। हाँ इसे इंशाल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ लेके चले। फॉर्मूला सर, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या यूनिट्स अवेलेबल है, यूनिट्स अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। मिक्स ब्रेक इवन है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, पर बैच ही होना। सी एस रेशो पर बैच, ये हुई ना बात सर। कर सकते हैं लेकिन क्या ऐसे नहीं कर सकते? अगला सवाल इससे पहले कि आ जाता मैं जरा खुद ही करती हूँ, क्या कंट्रीब्यूशन पर बैच से बैचेस निकाल के यूनिट्स फाइंड आउट करके सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई की जा सकती है? इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अभी हम इंशाल्लाह और आप आगे बढ़ने लगे। समटाइम बैचेस बन ही नहीं सकते, यूनिट्स होंगे नहीं, तो सब कुछ पॉसिबल है, तो सी एस रेशियो से किया जा सकता है। मेरे ख्याल हिम्मत करते हैं जरा कर लेते हैं, पहले ये कर लें फिर वो भी कर लेते, बल्कि ये ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह करें, फॉर्मूला यही जहन में रखें, अगर ये अप्लाई ना हो सका तो फिर अदरवाइज आ जाएंगे। नॉर्मल वे क्या रखना है, अगर रेवेन्यू रुपीज निकालने हैं तो नॉर्मल वे क्या है, पहले यूनिट्स निकालने फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें, ये नॉर्मल रखना है। हाँ अगर कभी किसी क्वेश्चन में पता चले कि ये तो हो ही नहीं सकता तो फिर रिवर्स वर्किंग भी हो सकती है, तो सी एस रेशो को तभी यूज करें अगर हम इस तरह वर्किंग ना कर सकें। इस तरह वर्किंग ना कर सकें का मतलब हम यूनिट्स निकाल के सेल प्राइस मल्टीप्लाई करने की अगर पोजिशन में नहीं है पर यूनिट, तो फिर रिवर्स वर्किंग भी इंशाल्लाह हो सकती है। तो पहले इसका शुरू कर लेते हैं, बाकी देखते हैं डाटा है नहीं। इस सबसे पहले हमें क्या ढूंढे? ओ नहीं सर, सर का माल हो गया जो पहले लिखा हो पहले ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए नीचे आप स्पेस रख लें आधा पेज रहा, और फिक्स कॉस्ट की तलाश शुरू करो। सेल फिक्स कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारी फिक्स कॉस्ट होती है। क्या क्या इकट्ठा होता है? फिक्स भी होगी, वेरिएबल भी होगी। ग्रॉस प्रॉफिट की ओपली कोई बहस नहीं है, ऐसी है सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और हम ब्रेक इवन निकाल रहे हैं, हमारे तो वैसे ही प्रॉफिट जीरो होना है, और देर पर प्रॉफिट की बहस ही नहीं है, टैक्स की बहस ही नहीं है। यह है ऐसे ही सर। तो कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसमें फिक्स भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है, ये किस मेथड से आपको सामने स्टेटमेंट नजर आ रही है? ऑप्शन कॉस्टिंग, ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए ऐसे, इसमें फिक्स भी होगी और वेरिएबल भी होगी, हमें अलग अलग चाहिए, हमें सिर्फ फिक्स चाहिए। फाइलो लगा लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इनमें डिफरेंस ले लेते हैं। फाइलो कब लगता है? जब कुछ लेवल्स दिए, कोई एक्टिविटी लेवल्स दिए, एक्टिविटी लेवल से मुराद क्या है? एक्टिविटी लेवल से मुराद क्या है सर? एक्टिविटी लेवल्स, एक्टिविटी लेवल्स है यूनिट्स, आर्स, तो दो डिफरेंट लेवल्स के दिए हैं। मसलन जरा देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो डिफरेंट पीरियड्स की गेम हो और एक्टिविटी लेवल्स दिए हैं, डिफरेंट पीरियड्स में एक्टिविटी लेवल्स गिवन हो, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, पता सर जहन में सर? क्वेश्चन नंबर 8-9 निकालें जो सॉल्वेंट ऑप्शन नहीं हुआ, उसमें भी तो हाइलो लग सकता है। एक प्रोडक्ट ए एक एक्टिविटी लेवल है और एक प्रोडक्ट बी, डिफरेंट पीरियड्स हो सर जी, डिफरेंट पीरियड्स हो, ये तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो दो डिफरेंट पीरियड्स में एक्टिविटी लेवल्स की बेस पर अगर खर्चे हों पीरियड्स के, तो हम हाइलो यकीन लगा सकते हैं। तो सॉल्वेंट में क्या सिचुएशन, तो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, उसके उसके प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता, किस पे लगता है? पीरियड्स हो और एक्टिविटी लेवल्स दिए हैं, सेम पीरियड्स हो, क्वार्टर है तो क्वार्टर्स हो, ईयर्स हो तो ईयर्स हो, आवर्स हो, डिफरेंट पीरियड्स अवेलेबल हो और फिर उनमें एक्टिविटी लेवल्स गिवन हो और उन एक्टिविटी लेवल्स के एक्सपेंसेस गिवन हो, तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, फिर एक ही हमें लेवल गिवन है, ऐसे ही सर, तो सर ये ऐसे ही सर। तो पहला मसला क्या बना, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें वेरिएबल भी है, कॉस्ट ऑफ सेल में भी होगी और ऑपरेटिंग में भी होगी, मिक्स है इसमें, ठीक है सर, तो हम एज इट इज इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, जरा नीचे वाली इन्फॉर्मेशन पे आएगा, नहीं नहीं एक मिनट आराम से तसल्ली से, काम तसल्ली से होना और अब गेम ऑन होगी यहाँ से। ये क्वेश्चन जो आते हैं इस तरह के, ये इसका पता नहीं चलता करना क्या, फार्मूला लिखे फिक्र नहीं मिल रही, जो भी हो जाए हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए ताकि ये क्लियर रहे कि हमने फाइंड आउट करना क्या है। तो ढूंढ के आ रहे हैं इस वक्त हम टोटल फिक्स कॉस्ट और उसकी सर्च कर रहे हैं। हमारे पास तो सर कारपेट्स और रग की सेल प्राइस है और अगली लाइन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज है। क्या आपको पता 25% कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब है कि सेल 100 है, कंट्रीब्यूशन 25 है, देयरफॉर 75 वेरिएबल कॉस्ट है कारपेट्स की। ये सब कुछ रिपीट कर दे जरा रग्स के लिए। सेल प्राइस अगर 100 है, 20 कंट्रीब्यूशन है, तो 40 जो है, 80 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। यहां तक ओके सर? अब ऊपर जो है हमारे पास सेल के रुपीज है, सेल के रुपीज है, वो सेल रुपीज बने कैसे होंगे? हमें ये लफ्ज बदलना होगा, क्या यूनिट्स या बैचेस? कुछ बैचेस होंगे और बैचेस को मल्टीप्लाई किया गया होगा सेल प्राइस पर बैच से। बैचेस की गेम कहां से आ गई? कारपेट और रग्स की कंबाइन सेल होगी, कंबाइन सेल अलग अलग, और कारपेट एंड रग्स किस किस रेशो में? तो कारपेट्स और रग्स की कुछ रेशो होगी, 1/4 रेशो है, जिसकी बेस पे एक बैच बना होगा। तो बैच के बैचेस होंगे सोल्ड बैचेस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच। बल्कि टू बी वेरी स्पेसिफिक सेकंड लाइन में जरा जाए, सेकंड लाइन ऊपर, सेकंड लाइन ये प्रोजेक्टेड है, तो 500 मिलियन जो रुपया दिया हुआ है ये बजटेड सेल है, बजटेड सेल है सर। तो ये बजटेड सेल कैसे बनी होगी? बजटेड बैचेस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच।
यकीनन उन बैचेस में क्या होगा, कारपेट्स और रग्स इन द रेशो ऑफ 1:4, लेकिन ये कुछ बैचेस का रेवेन्यू है। बिल्कुल उसी तरह से पेज नंबर 10 बताया, पेज नंबर 10 या 11 देख ले, 11 के स्टार्ट पे 21 लाख होने थे, नहीं है 10 11 पेज नंबर, बिल्कुल स्टार्ट में रेवेन्यू के 21 लाख रुपए का ढूंढ। एक तरीका तो यहां लिखा हुआ है जो आपको नजर आ रहा होगा, एक तरीका और भी शायद हमने लिखा था, 5000 × 420, 5000 का भी हमें ब्रेकअप पता था, 3-1 मिक्स था यहाँ, उन्होंने जरा चीजें के नीचे लिखा हुआ 15000 5000 रेट सर जी सर 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 सर, तो 21 लाख कैसे बना हुआ, बैचेस इंटू सेल प्राइस पर बैच, और यकीनन ऐसे भी बना हुआ है, यूनिट्स ऑफ एक्स इंटू सेल प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्लस सॉरी यूनिट्स ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस ऑफ वाई, हिम्मत 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 हिम्मत, तो या कैसे बना हुआ, तो पेज नंबर 10 पे देखें क्या हमें यूनिट्स और बैचेस की इंफॉर्मेशन थी, यूनिट्स की थी बैच हमने बना दिए, यूनिट्स की थी बैच हमने बना दी, 15000 5000 हमने 20000 लिखा सर, मिक्स देखा सर, 5000 बैचेस बना दिए। अब इसको एज इट इज देख के वैसे ही इस तरफ आए, जैसे आप घर में भी आते हैं जब घर वाला सवाल करते हैं, सवाल देखते हैं जवाब देखते हैं, लेकिन इस वक्त आप जवाब नहीं देख रहे, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, जब पहले पढ़ा है वो देख रहे हैं और उसको लिंक कर रहे हैं जो इस वक्त क्वेश्चन हो रहा है। 21 मिलियन की जगह अगर मैं कहूं कि 21 लाख उधर 500 मिलियन रुपीज आ रहे हैं सर। अगर मैं कहूं कि नीचे वाली लाइन में आ रहा 100 रुपया पर यूनिट और 120 रुपए पर यूनिट की जगह उधर 24000 पर यूनिट और 4000 रुपया पर यूनिट इधर आ रहा है, सर ये आ रहा है सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उधर 15000 और 5000 बजटेड यूनिट्स हैं, इधर आए क्या नहीं है, बजटेड यूनिट्स हैं, अगर बजटेड यूनिट्स नहीं है तो उधर भागते वापस जाए, बजटेड यूनिट्स नहीं है तो बजटेड बैचेस निकाल सकते हैं आप, नहीं उधर कैसे निकालें, यूनिट से सेल मिक्स देख के आपने बैचेस फाइंड आउट 5000 वहीं से फाइंड आउट किए, तो इधर क्या नहीं, हिम्मत यूनिट्स नहीं है, क्या किसके यूनिट्स, बजटेड सेल यूनिट्स ऑफ कारपेट एंड रग्स नहीं है, देयरफॉर हम यहां से क्या नहीं निकाल सकेंगे, बजटेड बैचेस नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन उधर वापस जाए, किधर वापस जाए, पेज नंबर 11 नहीं 11 पे जाए, 420 आपने एक निकाला था, सर जी निकाला था सर, क्या था ये, इसको कहीं ढूंढने जरा, कहीं ढूंढने देखिए ढूंढने, आपने कहीं वर्किंग की, आपने ये फाइंड आउट किया था 420 सेल प्राइस पर बैच, काइंडली ढूंढ के बताइए कैसे फाइंड आउट हुई थी, 100 क्या था, सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स दोनों मिक्स 100 लिखें कैलकुलेटर पर, इंटू 3 किया था सर जी, किया था सर, प्लस का साइन ढूंढा था और प्लस का साइन प्लस करके 120 इंटू 1 किया था, क्या निकल आया था, सेल प्राइस पर बैच आ गई। अब अगर सेल प्राइस पर बैच आ गई हो तो 21 लाख दोबारा देखें पेज नंबर 11 पे, क्या 21 लाख में कुछ बैचेस की सेल प्राइस है, कुछ बैचेस की सेल्स है, तो अगर 420 आपको पता चल जाए
तो कैलकुलेटर पे लिखें 21 लाख। सार जी कैलकुलेटर पे लिखें 21 लाख, पूरा नाम बोले बाय रिटेल सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाइड बाय, पूरा नाम बोल के बताएं क्या करेंगे। सेल प्राइस पर बैच, तो क्या 5000 बैचेस आ गए थे। अब ये सब कुछ ज़हन में रखते था, इस डाटा पे आए, क्या हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ कारपेट एंड रग रिस्पेक्टिवली है। क्या सेल मिक्स है, यहाँ से क्या ढूंढा जा सकता है। सेल प्राइस पर बैच ढूंढी जा सकती है, उससे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेट कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग इशू नहीं है। सेल प्राइस पर बैच अगर आ गया तो क्या कर लेंगे, बजटेड सेल डिवाइड बाय सेल प्राइस पर बैच टू गेट द बजटेड बैचेस, टू गेट द बजटेड बैचेस और देन मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करके टू गेट द बजटेड यूनिट्स ऑफ कारपेट एंड रग्स। लेकिन एक सेकंड बोर्ड पे देखें, हमें तो फिक्स कॉस्ट आई थी, हम किस सेकंड पड़ गए। अगर हमारे पास बजटेड सेल आ गई, बजटेड सेल आ गई, तो अगली तरह कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज देखें। यहां से हम हिम्मत करके बजटेड सेल्स अगर आ गई तो हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्यों निकाल सकते हैं। 24,000 क्या है और 4,000 क्या है, ये सेल प्राइसेस है। हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेजेस है, हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर निकाल लें और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लें तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। उसको हम टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दें तो इंशाल्लाह फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो सीधे तरीके से कुछ नहीं होगा, पूरा रिपीट करें मेरे साथ, कैसे वहां तक पहुंच सकेंगे हम। नंबर वन, 500 मिलियन की सेल है, पहला स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ बैचेस पहला स्टेप नहीं होगा। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ बैचेस निकालने के लिए सेल प्राइस पर बैच ढूंढनी पड़ेगी। सेल प्राइस पर बैच ढूंढने के बाद इंशाल्लाह बजटेड बैचेस आ जाएंगे, वहां से इंशाल्लाह बजटेड यूनिट्स आ जाएंगे सेल मिक्स की बेस पे। वहां से इंशाल्लाह जब बजटेड यूनिट्स आ जाएंगे तो हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ के मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच के फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। अच्छा, इस वक्त अब ये जो बातें शुरू हो गई हैं शाखासों पे, कल से ऑनवर्ड्स यकीनन इस वक्त हम एक लर्निंग फेज में है, ये गेम बहुत ज्यादा एडवांस होनी है। ये वर्ड अभी जहन में नहीं आना चाहिए, पेपर में हम क्या करेंगे, यकीनन पेपर में हमें बहुत कुछ करना है, इस तरह का मजाक हल्का फुल्का सा कोई नहीं होना है। लेकिन पहले हम इसी स्टेप से आगे बढ़ सकेंगे तो एग्जाम हॉल के नजदीक जाने की कोई सबील बन सकेगी। तो इस वक्त आपका सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि हो क्या रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो सही समझ आ जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से गेम बहुत दूर तक जाने। तो आई होप कि आप एक दफा मेरी इस बात के बाद रिपीट कम से कम जरूर कर देंगे कि करना क्या है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चले, लगता है बोलना नहीं चाह रहे, आप करना चाह रहे, तो स्पेस आधा पेज आपने छोड़ दिया था। वर्किंग वन करवाएं, किस चीज की करवाएं, ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट से बातें सुनी सारी जी। जजाकला बेटा, आप लोग टाइप करने रहना ना, टाइप में टाइम लगेगा, बात यहाँ तक खत्म हो गई है सारी, ये बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, वर्किंग वन, अब वर्किंग 1, 2, 3 करके कर लेते हैं ताकि जरा ये बातें जो हुई हैं तरतीब में सामने आ जाए। सबसे पहले बताएं क्या करें, ना करना यार, टोटल फिक्स कॉस्ट सीधा क्या करेंगे, नहीं अब क्या, वो तो करने के लिए अब क्या करने लगे, सेल प्राइस पर बैच। सेल प्राइस पर बैच फाइंड आउट करने का तरीका बता दें आज से ऑनवर्ड्स। सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल मिक्स, जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो बट सेल प्राइस पर यूनिट 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 40,000
What is 40,000 rupees per batch of 5 units? अच्छा कल जो एक वर्ड आता ना बीजे पैकेट्स बाय डिफॉल्ट आप यूनिट वर्ड रिजाइन में रख ले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसमें चेंजेस करें मतलब राधन के कभी बोलना शुरू कर दें पर पैकेट कभी पर बॉक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शायद अमेंड करने की जरूरत है वरना बाय डिफॉल्ट पर यूनिट सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स टू गेट पूरा बोले पर बैच दिस बैच नाउ कंटेन्स 5 यूनिट्स बस डन सर सेकंड बताएं कौन से बैचेस बजटेड बैचेस क्यों निकल सकेंगे क्योंकि बजटेड सेल्स नहीं बजटेड बैचेस निकले बजटेड सेल बैचेस बजटेड सेल के बैचेस अब ये 500 मिलियन है मैं नहीं इसमें थाउजेंड्स के चक्कर में पढ़ना चाह रहा ये ना हमारा ये क्वेश्चन भी उसी चक्कर में निकल जाए 500 मिलियन डिवाइड बाय 40,000 इज इक्वल टू ये सबको क्लियर है देखिए प्लीज इतना सिंपल नहीं है 500 मिलियन बना कैसे दोबारा बोल रहे कुछ बैचेज होंगे मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर बैच हुआ होगा तो अब मैंने क्या किया सेल प्राइस पर बैच से डिवाइड कर दिया है ताकि क्या आ जाए बैचेस सामने आ जाए कितने सामने आते हैं 12,500 क्या है बैचेस ऑफ ठीक है बैचेस ऑफ रग्स एंड कारपेट्स रिस्पेक्टिवली कारपेट्स एंड रग रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 1:4 डन सर अब सोचे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं ये कौन से यूनिट्स आएंगे बजटेड ये बोलना भी इस वक्त जरूरी है हम बजट से सब कुछ कर रहे हैं इनटू क्या करो बैचेस अगर आ गए हो तो फिर क्या ढूंढ के क्या निकल आएगा सेल मिक्स ढूंढ के नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं तो 12,500 इनटू 1 क्या आ गए कारपेट्स एंड 12,500 इंटू 4 50,000 क्या आ गया रग्स ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है जी सर अब क्या करें सर नहीं बजटेड सेल तो वैसे निकली हुई थी नहीं सर ये पर यूनिट नहीं कैलकुलेटर पकड़े 12,500 लिखे 12,500 मैंने कौन सा वाला लिखवाया ये कारपेट वाला लिखवा रहा हूँ इन तो 24,000 लिखे ये क्या है 24,000 क्या 24,000 क्या 24,000 क्या प्लस करें प्लस 50,000 इंटू 4,000 करें तो ये तो बेटा ये तो हम नहीं करना चाह रहे थे ये तो हम इसी से तो हम नीचे हैं नहीं मतलब ये सेल्स नहीं नहीं मतलब अगर आप नहीं भी कह रहे तो ये क्या है ये क्या किया मैंने तो इसी से तो हम नीचे आए थे तो ठीक है ये सेल आ जाएगी अब हमें बेसिकली क्या चाहिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ गए हमें एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन पता है देयरफॉर हम यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बेस बना के वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं कैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर पहुंच गए तो फिर टोटल कॉस्ट में से ये लेस करके टोटल फिक्स कॉस्ट तक पहुंच गए डन तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं मेरे ख्याल सीधी वर्किंग करते हैं एक मिनट देखें मेरे ख्याल थोड़े बड़े हो गए शायद इसमें ना पड़ता कारपेट के कितने यूनिट्स हैं 12,500 ये भी ना बात इनटू हिम्मत 24,000 के है डिवाइडेड बाय 100 हिम्मत
क्या ये सेल प्राइस 100 है सर? और मल्टीप्लाइड बाय 75 कहां से आ गया? तो यकीनन वेरिएबल कॉस्ट सॉल्व करके भी हो सकता है और ऐसे कैलकुलेट भी हो सकता है। Why 24,000 डिवाइड बाय 100? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सर, बेस पता हो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बेस क्या है, सेल और 75 कहां से है, वेरिएबल कॉस्ट 25 कंट्रीब्यूशन है, ये लिख के देख के लिख लें और रिलैक्स करने खुद से सोच के लिख लें। ₹24,000 सेल प्राइस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25%, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 75, डन है सर? 75। बेटा वही किए, तो पहले मल्टीप्लाई कर लें या बाद में कर लें, वही तो किए। सेल प्राइस का 75% आप पहले निकाल लेंगे, मैंने बाद में कर लिया। क्या ये वर्किंग ऐसे भी बेटा हो सकती है कि पहले 24,000 कर लिया जाए डिवाइड बाय 100 इंटू 75 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 12,500 कर लिया जाए? तो ठीक है, मतलब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चाहिए थी तो आप पहले वो कैलकुलेट करके सेल नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करते हैं या मेरे ख्याल सीधा करते हैं। डन है प्लीज? जी राक्ष करवाएं जी। 4000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय, हमारी भी समझ नहीं आती, कभी ऐसी हो रहा है कभी 75 हो जाता है, क्या होता है, कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज चेंज होगी जी। ओके बेटा प्लीज इकट्ठे जी, कोई कंफ्यूजन नहीं प्लीज रहेगी, रिजॉल्व है मसला जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका बताए ना सर, तो दाख लिया ना ना ना, ना। बेहतरीन बात होगी, एक मिनट मुझे दे देना, एक मिनट ठीक है, ना 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 बस ठीक है, यहाँ होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूँ, मैं यहीं आ रहा हूँ, एक मिनट बच्चों के टोटल कर लेंगे, मैं आ गया हूँ, मैं आने लगा। ठीक है ठीक है, अच्छा लगा ये सोचा आपने जी, कहीं एक मिनट दो, मुझे फिगर्स बता दो। और बड़ा आंसर होगा, कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लो यार, 225 मिलियन, 225 मिलियन एंड 160 मिलियन रिस्पेक्टिवली टोटल कर लें, टोटल का अच्छा सा नाम बता दें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स या वेरिएबल? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन वाली या नॉन प्रोडक्शन? दोनों कैसे आ गई, दोनों कैसे आ गई भाईजान, कैसे आ गई, कैसे आ गई, कैसे आ गई, कैसे आ गई, कैसे आ गई? ये जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया होता है, वी मींस से नेट कंट्रीब्यूशन, और देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, डन? ये अब एक भाई ने बात की है, जरा सब लोग उसे संजीदगी से सुनिएगा। कैलकुलेटर पे लिखें 12,500, तो ये जो मैं इस वक्त कहता हूँ ना कैलकुलेटर पकड़ें, ये ऑप्शनल है, मेजोरिटी ने महसूस किया ये ऑप्शनल बात है, ये आज नहीं है, ये आज काफी अरसे से ऑप्शनल है और ये हाईली ऑप्शनल बहुत ही जा रही है, अब कैलकुलेटर उठाया भी नहीं जाता। कैलकुलेटर पकड़ने सर, जहां तक मेरी आवाज गई मैंने सबसे कहा है 12,500 लिखें और बताएं क्या लिख रहे हैं आप, मल्टीप्लाइड बाय 24,000 लिखें सेल प्राइस,
डिवाइड बाय 100 लिखें, भाई ने ये कहा है कि मल्टीप्लाई बाय 25 करें, ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेकिन अभी बात भाई की खत्म नहीं हुई, प्लस का साइन दबाएं, बाकी बात यही 550,000 लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 40,000 लिखें, सॉरी 4,000, सॉरी प्लीज 4,000, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 डिवाइड बाय 100 करें और इनटू 20 करके इज इक्वल टू दबाएं। भाई ने ये कहने की कोशिश की है ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया क्या, वैसे ये कंट्रीब्यूशंस फाइनल मल्टीप्लाई करवाई है इसने किए सर, तो ये बड़ा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। भाई का सवाल शायद ये था कि ब्रेक इवन लेवल पे कंट्रीब्यूशन तो फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, लेकिन बेटा ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, ये बजटेड पॉइंट है। इस बजटेड पॉइंट में ये जो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। और अब एक काम वो हो सकता है, अगर आप ध्यान में लाए तो क्या हमें बजटेड प्रॉफिट पता है तो शायद फिक्स कॉस्ट ऐसे आ सकती है। लेकिन आप एक काम पहले करें, ये मैं दोबारा इस तरफ लेके जाता हूं आपको, ये सबको पता है कि ये एज इट इज कंट्रीब्यूशन फिलहाल फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये बजटेड लेवल है, ब्रेक इवन लेवल नहीं, ये बजटेड लेवल है। हाँ दूसरा काम हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल उस दूसरे काम से पहले हमारे पास एक फिगर पहले सामने आ जाएगा। हमारे पास ये जो फिगर आई है पहले इसकी बेस पे वर्किंग कंप्लीट करें, फिर मैं रिवर्स वर्किंग के बाद हाँ हिम्मत करना। अब ये क्या आ गया हमारे पास, अब टोटल कॉस्ट कहाँ है, ढूंढे ना ढूंढे धरती ढूंढे 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 टोटल कॉस्ट 360 प्लस 90। अच्छा यहाँ भी जरा साथ साथ रहना, हर चीज सही समझने वाली सुन और रिटेन रखने वाली है। 450 मिलियन क्या है, अरे 450 मिलियन क्या है, टोटल बजटेड कॉस्ट अगर मैं कहूँ तो गलत है, टोटल बजटेड कॉस्ट इसमें से आप क्या लेस कर सकते हैं, टोटल बजटेड वेरिएबल कॉस्ट कितनी 85, डिफरेंस लें 165, टोटल वेरिएबल फिक्स, टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट, टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट। अब सवाल यहाँ पर उठता है, आपको एक सिर्फ टेंशन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये होती है कि मैं लिख लूँ, बट कोई इशू नहीं है यार, यकीन मानो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसे हुआ है कि क्लास के एंड में लिखने वाला कुछ रह गया हो। ये क्या आया है, किस से क्या निकाल के क्या आया, टोटल बजटेड कॉस्ट से टोटल बजटेड वेरिएबल कॉस्ट लेस करके टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट आई है। तो ये तो बजटेड फिक्स कॉस्ट आई है, हम कर रहे हैं ब्रेक इवन लेवल पे वर्किंग, तो देयरफॉर ये तो यूज नहीं हो सकती। क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल हर लेवल पे सेम रहता है, तो यकीन है ये बजटेड फिक्स कॉस्ट है, लेकिन ये वही होगी जो ब्रेक इवन पॉइंट पे भी होगी। इसका सम डेफिनेटली पर यूनिट्स विल इनवर्सली वेरी, क्या ये सम वहां भी यहां भी और वहां भी सेम रहेगा, क्या चीज किसका किसका, तो यकीन है बजटेड फिक्स कॉस्ट है, लेकिन ये जो बजटेड फिक्स कॉस्ट का सम है अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे भी सेम रहेगी। लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट सेकंड लास्ट लाइन में आई है, ये वेरिएबल कॉस्ट जब बजटेड आई है यही ब्रेक इवन वाली भी होगी, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बदल है। अब लिखें यहां तक आ जाए तसल्ली से, पहले सारी बात समझें, लिखना तो कोई इशू नहीं है, आपको लगता है असल इशू ये कि लिख लें,
और हम तो आज तो हमारे पास टाइम है, वापसी भी, वापसी का चांस ही कोई नहीं। यस सर। जी सर, यहाँ तक नोटेड है सर। ये बड़ा बात, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है जी। सर जी कर लिए? नहीं वैसे कर लिया अब आपको? नहीं वैसे भी हो गया, आप थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे। नहीं यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक एक क्वेश्चन में सामने आया कि 65 मिलियन क्या है, बस करिए। फिक्स कॉस्ट आई है, क्या ये फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे सेम होगी? इसको इस तरह जरूर सोचा जा सकता है, 65 मिलियन कॉस्ट देखो जरा, क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन भी यही होगी? क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन भी यही होगी? ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन यही होगी। और सर यही से तो फॉर्मूला डेवलप किया था हमने, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। वहीं से तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था कि कंट्रीब्यूशन मींस यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यूनिट्स का फॉर्मूला निकाल दिया था। तो इसके नीचे एक लाइन लिखे, दिस शुड बी कंट्रीब्यूशन एट, दिस शुड बी कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट। जी ठीक है बेटा। अब यहां तक करने को क्वेश्चन किसी को? तो इस वक्त हम जिस लेवल पे हैं, हमें चीजें पहले अंडरस्टैंड करनी पड़नी है, उसके बाद है कि हम इंडिविजुअल अटेम्प्ट कर सकें। ये अब ये फिगर हमें चाहिए थी, ढूंढने तरह कहाँ चाहिए थी? आ रहे टोटल फिक्स कॉस्ट के 65 मिलियन। अब आपको क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर बैच, कंट्रीब्यूशन पर बैच। जी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए इस तरह करें, ये कितने शॉर्टकट पॉसिबल है, आप वही वर्किंग रिपीट करें जो कल परसों हुई है। पहले क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, लिख के करना जरा, और फिर कंट्रीब्यूशन पर बैच तक करें, खामोशी से करें, सबको करना। कॉलम्स, कारपेट्स, कारपेट्स, रग्स एंड टोटल, सेल प्राइस पर यूनिट, ₹24,000 नहीं बेटा, 28,000 नहीं करना, ये 28,000 के है, यहाँ किसी टोटल की जरूरत नहीं थी यार, सोचे जरा 28,000 के दोनों की कंबाइंड पर ही ना। नहीं वो तो टोटल सेल्स होते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब शायद इसकी जरूरत नहीं हमें कैलकुलेट करने की, शायद डीडी सीधी परसेंटेज से कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब क्लोक करें जैसे करना जी, 800 6000 एंड 800 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना चाहे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट, लेकिन बहरहाल इस वक्त अब इसकी जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी शायद वर्किंग कर ली हुई है। कंट्रीब्यूशन पर बैच तक पहुंचने का तरीका क्या है, किसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स करेंगे फाइनल। वैसे मीनिंग क्या है इसका कंट्रीब्यूशन पर बैच का, एक ग्रुप जो है प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप जो है वो कितने रुपीस कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट, 9200 पर बैच। इज कंट्रीब्यूशन पर बैच कंटेनिंग हाउ मेनी ड्रग्स एंड कारपेट्स एंड ड्रग्स रेस्पेक्टिवली, 1 and 4। सॉरी 3600 3200 3200 सॉरी, ऑनलाइन फाइनली बता दें यहां तक फिगर्स अब समझ आ गई। बड़ा शॉर्टकट कोई नहीं इन चीजों का, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। आप लोगों ने यकीनन कॉस्ट के बारे में जो लोगों से सुना हुआ है वो बिल्कुल सही है, लेकिन शायद कुछ ऐसे भी मेरे जैसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ाते नहीं है और लोगों को डराते ही रहते हैं, वो अपनी जगह की स्टोरी है, लेकिन गेम वाकई संजीदा है। मैं तो आपको बहुत अच्छे से कह रहा था, आई होप कि आप मेरे साथ साथ संजीदा हो चुके हैं अब तक। जी 24,000 में से बेटा 18,000 माइनस होगा तो 6,000 आ गया, और 4,000 में से 3200 माइनस होके 800 आ गया। हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेजेस हैं, तो 24,000 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 20% ऐसे ही हुआ जी, सॉरी इसका 25 है, कारपेट्स का 25% और ऑपोजिट साइड पे 4,000 इंटू, ये बड़ा कंप्लीट कर लिया सर, मैं सर कंप्लीट कर लिया सर। जी सर कंट्रीब्यूशन पर बैच कितनी आ गई, 9200 फिनिशिंग टच नहीं सर, अब यहां से क्या निकलाएगा, निकालेंगे 7065 बैचेस, राउंड ऑफ हो रहा है, नहीं 7065 कोई नहीं अल्लाह का शुक्र, बट ठीक है सर। बैचेस से एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पे जाएंगे, नहीं एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट अभी हम काफी दूर है, लेकिन बैचेस से अब अच्छा वैसे बैचेस से सीधे रुपीज आ सकते हैं, सेल प्राइस पर बैच करके रुपीज आ सकते हैं वैसे, लेकिन क्योंकि हमें सेकेंड रिक्वायरमेंट भी करनी है इसी वन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के लिए बजटेड यूनिट्स चाहिए होंगे सर, चाहिए होंगे सर, इंटू 1 इंटू 4। अगर बैचेस से रुपीज निकालने हैं तो क्या करेंगे, सेल प्राइस पर बैच 40,000 रुपया शायद तो कर सकते हैं, दी बैचेस इनटू सेल प्राइस पर बैच, या फिर अगर यूनिट्स निकाल लेंगे तो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, लेकिन हम नहीं मार्जिन सेफ्टी से यूनिट्स से मांगा प्रश्न बता कहा उसका मार्जिन सेफ्टी इन यूनिट्स, तो 7065 रग्स सॉरी कारपेट्स एंड इनटू 4 करके 28260 रग्स,
जी सर, अब लास्ट कब क्या रहेगा? कारपेट्स की रेवेन्यू के अमाउंट 7065 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, सेल प्राइस पर यूनिट, रग्स, नंबर ऑफ रग्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। इस काइंडली फिगर्स बोल बोल के लिखे, इससे नहीं बेटा बात बननी, आप लोग देख लिखना शुरू हो गए फिर आंसर मेरे रहने दो, वरना वो भी आपने देख के लिख लेना, लेकिन फिर ये भी खतरा कि आप लिखेंगे नहीं। 169.5 मिलियन है शायद, 5 से बता दें क्या आंसर आ रहा है, 113,040 मिलियन। सम कर में व्हाट इज 2826 00। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू नहीं हो रहा, जीरोस में फंस गए। चलो तो अगर राउंडिंग है तो उसकी बात फिर क्यों हो रही है, क्योंकि यही तो असल बात है। राउंडिंग ऑफ कैसे हो सकती है, आपने 607065 राउंड ऑफ करके एक दफा लिख तो लिए, तो वो लिखने के बाद कैलकुलेटर पे जीरो दबा दिया करें, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। जी सर, कौन सी रिक्वायरमेंट का कौन सा हिस्सा हो गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स का फॉर्मूला बताएं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स किस किस के, किस किस के, कारपेट एंड रग्स के नहीं तो बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स फॉर्मूला क्या, बाइटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। अगर यूनिट्स में करना है तो क्या ढूंढेंगे, बाइटेड यूनिट्स एंड ब्रेक इवन यूनिट्स। हंस रही है सारी चीजें, ऐसे नहीं होगा ये, बजटेड यूनिट्स ब्रेक इवन यूनिट्स टू गेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, बाइटेड यूनिट्स हो रहे निकाले मैं कहीं, बाइटेड यूनिट्स फर्स्ट वर्किंग सेकंड वर्किंग थर्ड वर्किंग 12,500, रग्स 50,000, ढूंढे वाइंड अप करें। ब्रेक इवन यूनिट्स ऑफ कारपेट्स 7065 28 260, डिफरेंस लें, डिफरेंस 5435 21740। क्या है ये फिगर्स, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है भी, क्या हम ब्रेक इवन से ज्यादा बेच पा रहे हैं? इंशाल्लाह बेच लेंगे, ये यूनिट्स जो एक्स्ट्रा बेच पाएंगे क्या प्रॉफिट में ले जाएंगे, इन यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बनेगी या इन यूनिट्स की सेल प्राइस प्रॉफिट बनेगी, आ जाएगा याद? इन यूनिट्स को, इन यूनिट्स की जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वही होगी जो ब्रेक इवन पॉइंट पे है, वही बजटेड पॉइंट पे भी होगी। ओके सर, रिक्वायरमेंट बी पढ़े सर। जी नोट कर लिया, सब नोट तो नहीं कर रहा,
कोई सर जी नोट तो नहीं करा सर? जान लें फ्रेंड्स, नोट तो नहीं करा सर? चले सर जी, वो पॉइंट एक आ रहा है जिस पे काफी दिन बहस हो गई थी, तो आए जरा देखते हैं कहां तक जेन में है। वो कहता है नंबर ऑफ कारपेट्स एंड रग्स दैट मस्ट बी सोल्ड इफ कंपनी विशेस टू मेंटेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वलेंट टू 10% ऑफ बजटेड सेल्स। सबसे पहले जरा ट्रांसलेट करके अमाउंट बता दें, किस अमाउंट को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं? हाँ जी, प्रॉफिट मेंटेन करना है कितना? नहीं है, नहीं है। आगे बता दिया है, ये भी वो कह सकता था कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेंटेन करना, वो कहता है इक्वल टू हाउ मच, तो व्हाट इज बजट सेल 500 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये 50 मिलियन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? 50 मिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? इसे आप ट्रांसलेट करें बेटा। कहता है कितने कारपेट्स और रग्स बेचे जाएं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 मिलियन हो जाए। रिपीट करते हैं जरा सेंटेंस। जी टारगेट प्रॉफिट है सर, लेकिन क्या टारगेट प्रॉफिट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ टैक्स है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला इफ टारगेट प्रॉफिट इज इन्वॉल्व विद टैक्स? टाइम है, मैं 2-3 मिनट चाहिए, फॉर्मूला लिख। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यार आफ्टर टैक्स मांग रहा है, नहीं फॉर्मूला में क्यों यूज करना है? कंट्रीब्यूशन पर बैच, बैच वाली स्टोरी सेम जी, सबको याद आ गया सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो तो कहता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का माना, क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स भी होगा? yes, और आफ्टर टैक्स भी होगा। yes, अगर टैक्स इन्वॉल्व हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने यूज करना है। फिगर्स पे आए जरा, फिक्स कॉस्ट, एक मिनट छोड़ दे लिखना, फिक्स कॉस्ट बता 65 मिलियन वही रहेगी। अब इस फॉर्मूले में हमें लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 50 मिलियन का कैलकुलेट हुआ बिफोर टैक्स ही तो हुआ, तो कैलकुलेटर फिर उठाना पड़ना, कौन कौन उठाएगा? जीरो दबाए, नजर आना शुरू हो गया चलता हुआ, 50 मिलियन लिखें और पूरा नाम बोल दें इसका, ये क्या है? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पर्सन में जाया करेंगे, टैक्स रेट ढूंढे, 35% ठहर जाए, कुछ नहीं करना है, 35% का मैं जहन में सेट करें जरा। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्या टैक्स के बाद है? कितने परसेंट टैक्स के बाद है? 35% टैक्स के बाद है, therefore ये 135% है, 35 लेस होने के बाद है, ये 35% टैक्स लेस होने के बाद है, therefore ये 65% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह गया है। अगर रेट होता 30% तो ये 70% रह गया होता, अगर रेट होता 25% तो व्हाई इट इज 65% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स? बिकॉज द टैक्स रेट इज 35%। वर्किंग समझ आ गई सबको? हमें उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और हमें बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है। तरीका क्या हुआ करेगा, हम टैक्स रेट ढूंढा करेंगे, उसे सोचा करेंगे, अकॉर्डिंगली डिसाइड किया करेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट है वो फिर कितने परसेंट रह गया आफ्टर टैक्स। फिगर्स बोल दें कैसे लिखें, 50 मिलियन डिवाइड बाय 65% भी हो सकता है, या मैथमेटिकली 65 × 100 भी हो सकता है। क्या चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी और
देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर बैच शायद वही है, फिगर्स ऑफ 9200। पहले आप तसल्ली से पहले फिगर्स देख लें, बाकी तो कोई इशू नहीं हो गया काम। यूनिवर्सल क्लियर हो गया बेटा? ये बेटा फिगर तो आ जाएगी, फिगर कोई इशू नहीं है, फिगर अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। y डिवाइड बाय 65 इनटू 100 चाहिए क्या था बिफोर टैक्स, और रेट ऑफ टैक्स क्या था 35%। टैक्स लेस होने के बाद वाली अमाउंट, फिर देयरफॉर 65% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। 100 मैंने किसको ज़ूम किया? बेटा फिक्स कॉस्ट से लिया करेंगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब फिक्स कॉस्ट में प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन बड़ा करेंगे, देखा करेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल है या आफ्टर टैक्स अवेलेबल है। टैक्स अगर इन्वॉल्व होगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल होगा तो इंशाल्लाह उसको परसेंटेजेस वगैरह ढूंढ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। बेटा 10% बजटेड सेल का मतलब है बजटेड सेल का 10%, और बजटेड सेल का 10% का मतलब है कि 5,500 मिलियन का 10%। बजटेड सेल का 10% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कमाना चाहते हैं और उसके यूनिट्स एग्जामिनर हमसे फाइंड आउट करवाना चाहता है। और बेटा इसमें फिक्स कॉस्ट कहाँ इन्वॉल्व है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 65 इनटू 100, इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है, बाद में फिक्स कॉस्ट प्लस हो जाएगी। हमारे जो यूनिट्स आएंगे उन्होंने फिक्स कॉस्ट भी अब कवर करनी है और प्रॉफिट भी कमाना, तो इस वर्किंग में तो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 65 एंड इनटू 100। ठीक है जी, क्लियर है? आप लोग क्लियर है? आंसर बताइए। व्हाट इज 15426? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता चल गया 50 मिलियन। आप लोग कंप्लीट करेंगे बस, सॉरी आपका तो टाइम ज्यादा है, एक मिनट का जो भी बैचेस आए इसको यूनिट्स में बता लें, निकालने फाइनल करना। मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, 50 मिलियन प्रॉफिट है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 50 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स का रेट 35% है, देयरफॉर ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर है ये 65% रह गई है 35% टैक्स लेस होने की वजह से, तो डिवाइड बाय देयरफॉर 65 और इनटू 100। ठीक है प्लेयर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन की इस रिक्वायरमेंट हमने फाइंड आउट की है और फिर टैक्स रेट देख के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया। ठीक है, क्लियर हो गया? प्लीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वर्किंग, बाकी 7.69 समथिंग फिगर आ रही है शायद। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? नहीं, 7.6 समथिंग फिगर नहीं। चले कोई नहीं, कल दोबारा यहीं से शुरू कर लेंगे। वैसे कुछ क्लियर हो गया? प्लीज आप लोगों ने प्लीज सीक्वेंस जो अडॉप्ट करना है वो बहुत जरूरी है। दैट इज नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 7 में परसेंटेजेस हिमालयन रिवर्स और वापसी होनी है सॉल्वेंट पे, घंटा जरूर रिक्वायर्ड है।